अरे ठीक है, ये तो जरूरी है। पापा साहब एक आदेश भी कर दिया है कि प्रत्येक पुलिसिंग जो पुलिस के लोग हैं वही चलाएंगे गाड़ी, जो प्राइवेट लोग चलाते थे। ईट कहाँ? ईट ये है इसमें लग रहा है, कैसे ईट बना लो? ये क्या मामला है? एक तो कर दूं कि ये 16 लाख की ठगी का मामला नहीं है, ये लाखों की ठगी का मामला है। अमाउंट अभी क्लियर नहीं हो पाया, जो पैसा बरामद हुआ है अब तक जो है अभियुक्तों से 6 लाख रुपया है। वादी का अभी पता नहीं चला है, पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र से इसको साक्ष्य संकलित करके ये पाया कि कुछ लोगों द्वारा थाना निगासन चौकी ढकेरवा क्षेत्र में एक हरियाणा पंजाब के लोगों को झांसा देकर के सोने की ईंट का टुकड़ा दिखा करके ठगी की गई। ये 6/11/2018 की घटना थी, लेकिन स्थानीय चौकी द्वारा वो गया, उसको संभवतः उसको मदद नहीं मिली और न तत्काल कार्रवाई की गई। बाद में जब घटना मुखबिर द्वारा पता चली तो 6 लाख रुपया बरामद किया गया, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 6 लाख रुपया बरामद हुआ, 3 व्यक्ति फरार चल रहे हैं। घटना में तत्काल कार्रवाई न करने के कारण कार अकर्मण्यता प्रदर्शित करने के कारण ढव चौकी ढकेरवा के चौकी इंचार्ज सहित 1 हेड कांस्टेबल व 2 कांस्टेबल, फिर रिपीट कर दूं, चौकी इंचार्ज, 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसकी प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी को दी गई है, जो भी तथ्य और प्रकाश में आएंगे उनके समाहित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ कि यदि किसी प्रकार का इसमें इनकी आपराधिक संलिप्तता भी पाई जाएगी तो इनको भी 120 बी का मुलजिम बना करके जेल